अभी बिहार में जो उप चुनाव हुआ जिसमें अररिया लोकसभा और जहानाबाद विधानसभा में हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से जीतने का काम किए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और हमारे युवा राजनेता जो विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने उनका समर्थन किया। मैं बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों ने भारी मतों से मेरे गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से वादा किया था, छात्रों से वादा किया था कि 2 करोड़ छात्रों को नौकरी देंगे, लेकिन यह नौकरी के नाम पर ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, भारत सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है। एगो 4th ग्रेड के बहाली में ITI का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो कि बेचारा लाइन पर वो गुटकी ढोएगा, सिग्नल गिराएगा, झंडा दिखाएगा, वैसे छात्रों को नौजवानों को प्रताड़ित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए आज इसका रिजल्ट आप लोग के सामने है। उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों से, फूलपुर और गोरखपुर से भाजपा की करारी हार हुई, और बिहार में अररिया से और जहानाबाद से भी उन लोगों की करारी हार हुई, और हमारे महागठबंधन पूरे भारत में तेजी से अग्रसर हो रहा है, और आशा है कि 2019 के चुनावों में निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन की सरकार भारत में बनेगी, केंद्र में बनेगी। बिहार और यूपी में उपचुनाव में भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के नीतीश कुमार का जो जुमलाबाजी और जो घोषणा था 2014-2015 में, सारे के सारे झूठा निकल गया और सारे जान गया कि खाली झूठ बोलने वाला है, कुछ करने वाला नहीं है। इसी के चलते यूपी में गोरखपुर और फूलपुर में नकार दी भाजपा को, और बिहार में लोकसभा अररिया और जहानाबाद विधानसभा और जनता ने नकार दिया नीतीश कुमार गौरवैया को देखते हुए। आज तक ना कोई फैक्ट्री लगा, ना कारखाना लगा, ना कोई नौकरी, ना कोई अच्छी, खाली साथ नीचे में झूठ का पुलिंदा बांध कर घूमते रहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को बुझाए कि हम यहाँ कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे भारत का बिहार का राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी का नेतृत्व, और बिहार के सारे जनता को कोटि कोटि धन्यवाद और अच्छी करते हैं कि आज वाला लोकसभा चुनाव में 2019 में इसी तरह को साथ मिलेगा। श्री राम राय का कार्य अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल महानगर।